हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईडी तिरुची। लेकर आ गया हूं बहुत अच्छा फिर से एक और वीडियो। लेकिन बहुत अच्छा सेशन रहा यार, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि यूट्यूब पर लाइव ना आने की जगह मुझे गूगल मीट पर लिंक डालनी पड़ी और उसके थ्रू आप लोगों को वहां पर आना पड़ा। मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहूंगा जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर लिंक नहीं मिल पाई, सर टेलीग्राम की लिंक ओपन नहीं हो रही थी। बट मैंने काफी ट्राई किया, बहुत सारे लोग ऐड भी हुए, पर पता नहीं आप लोगों को कैसे नहीं मिल पाई, पर मैं उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा। अब जो अगला जो मीट होगा वो यूट्यूब पर ही होगा। आप मुझे बताइए कि क्या डेट रखनी चाहिए। और अब हमारा कम्युनिटी टैब भी ऑन हो गया है, तो स्टोरीज में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होने वाला है आईआईटी दिल्ली के ऊपर। यहाँ पर हम मतलब बताएंगे आप लोगों को क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या आईआईटीज में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन उनके लिए अलाउड हैं और क्या कट ऑफ रहे थे। अब इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन इसमें करेंगे। यहाँ पर क्या है, आईआईटी दिल्ली का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अदर आईआईटीज। यहाँ पर ब्रांचेस के लिए इंटरव्यूज भी होते हैं, डायरेक्ट एडमिशंस भी होते हैं। पता चला कि एक ही ब्रांच के लिए इंटरव्यू भी रखा गया है और डायरेक्ट एडमिशन भी हो रहा है, तो उनका अलग पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आईआईटी दिल्ली के फॉर्म भी ओपन हो गए हैं, तो आप उन्हें भर भी सकते हैं। ये इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो को देखेंगे और सारा सब कुछ जानेंगे, क्या कितनी एलिजिबिलिटी है, क्या कैसा क्राइटेरिया रहने वाला है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए आईआईटी दिल्ली के लिए क्या रखी गई है। अगर आपने करना है एमटेक हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप, ठीक है, तो आपका बीबीटेक एमएससी इक्विवेलेंट होना चाहिए और आपका सीजीपीए कितना होना चाहिए, 7.5। देख रहे हो, क्वालिफाइंग गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन विदाउट टेस्ट एंड इंटरव्यू चाहिए तो कितना हाई कट ऑफ रखा गया इस कॉलेज में बीटेक के लिए। बीटेक सीजीपीए 7.50 के नीचे होगा तो एडमिशन मिलना डायरेक्टली मुश्किल होगा, मतलब डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस पर मिलना मुश्किल होगा। ट्वेल्थ के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखते ये लोग, टेंथ के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। पर अगर आपको एमटेक में एडमिशन चाहिए और आप एडमिशन के साथ टेस्ट एंड इंटरव्यू दे सकते हैं तो आपको सिर्फ 6 CGPA चाहिए। तो अप्लाई तो जरूर करिएगा, आईआईटी दिल्ली में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। कई बार कम मार्क्स वाले बच्चों को ना कोर ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाता है। मेरे खुद का दोस्त वहां से पास आउट हुआ आईआईटी दिल्ली से, उसको सिर्फ 71 मार्क्स में आईआईटी दिल्ली मिल गया था, वहां पे वो मशीन डिजाइन में था। क्वालिफाइंग गेट स्कोर है, ठीक है, तो छोड़िएगा मत, टेस्ट एंड इंटरव्यू के साथ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब आपको ना सबसे मेन क्या करना है, आपको इसके कोड याद रखना है, ठीक है, आपको कोड याद रखना है, कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोग्राम है और ये डिपार्टमेंट है। अब देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स में देखिए जो प्रोग्राम होता है वो इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन होता है, उसका कोड है AMA। फिर हो जाता है अप्लाइड रिसर्च एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, दैट का कोड है CRF। फिर एटमॉस्फेरिक साइंस AST, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग BMT, केमिस्ट्री CYM, ठीक है। फिर आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग को, केमिकल इंजीनियरिंग CHE रखा गया है कोड। सिविल इंजीनियरिंग को रखा गया है कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, एनवायरनमेंट जियोटेक्निकल रॉक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन वाटर रिसोर्स, उन सारे कोड ये रहे। फिर आ जाता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस MCS में आने वाला है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कंट्रोल एंड ऑटोमेशन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड पावर सिस्टम, ये सब आ जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उनके कोड ये रहे। फिर एनर्जी स्टडीज़ में आ जाइए तो एनर्जी में एनवायरनमेंट रहने वाली है एंड मैनेजमेंट रहने वाली है। मटेरियल साइंस में मटेरियल साइंस एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच आपको IIT रुड़की में ही मिलेगी, पॉलीमर वाली पिछले साल ही ओपन हुई है। मैकेनिकल में मशीन डिजाइन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग, चारों कोड ये रहे। फिर आ जाता है फिजिक्स में आपको रहेगा ऑप्टिक्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट, तो उसके कोड ये रहे। टेक्सटाइल एंड फाइबर्स फाइबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्सटाइल केमिकल एंड प्रोसेसिंग, IICTC के बंदे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी के बंदे बहुत ज़्यादा एडमिशन लेते हैं इन ब्रांचेस में। चलिए फिर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस देख लेते हैं एमटेक प्रोग्राम में, एनर्जी स्टडीज इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट VLSI साइबर से, आपको मैंने बोला था कोड के स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेटर है। अब आप देखिए आपका बीटेक में क्या डिग्री रहने वाला है, बीटेक या BE में आपका क्या डिग्री रहने वाला है।
ईएमए ब्रांच में आना चाहते हो, मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स में आना चाहते हो, तो आपकी एरोस्पेस, केमिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, माइनिंग, मरीन, नेवल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन मतलब पीआई वालों को बहुत फायदा मिल रहा है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, पीआई भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया प्रोडक्शन लिखा हुआ है इन्होंने सिर्फ। एएमवाई में आ जाइए मतलब, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो ब्रांच थी एएमवाई, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, मरीन, नेवल, आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। चलिए फिर एएसटी में आ जाइए, एएसटी में आपका देखिए बी बीटेक किसमें मांगा है, अलग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, एनवायरनमेंट के लिए देखिए अपॉर्चुनिटी बनी है यहाँ पर, एनवायरनमेंट के लिए, मैकेनिकल कैंडिडेट हैविंग बीटेक इन अदर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग ऑल विल बी कंसीडर्ड ओनली, ठीक है। चलिए दे हैव अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस रिलेटेड एरिया ऑफ एटमोस्फेरिक साइंस एंड ओशनिक साइंस, अगर आपको इससे रिलेटेड हो आया मतलब आपने कुछ किया हो और उसके बाद आपकी कोई भी ब्रांच हो आपको अलाउ किया जाएगा, फिर एमएससी के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। बायोमेडिकल में देखेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह था, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोकेमिकल, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, आप केमिस्ट्री, केमिकल के लिए बहुत यहाँ पर एक निकल गया ये अपॉर्चुनिटी। एनवायरमेंटल साइंस के बच्चे मुझे बहुत मैसेज करते हैं, तो एनवायरमेंटल साइंस के लिए अपॉर्चुनिटी देखिए ये निकल कर आई है यहाँ पर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, उनके लिए भी निकल आई है। अब देख लेते हैं बी बीटेक आपका बीएमटी के लिए क्या होना चाहिए, बायोमेडिकल, केमिकल, सीएस भी आ सकता है यहाँ पर, ई डबल ई, ईसी, बायोकेमिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इन सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, एमएससी को भी दी गई। बीएसवाई में देखेंगे, बीएसवाई में क्या रहने वाला है आपका, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एमएससी, फिजिक्स केमिस्ट्री, सब कुछ। बीएलवाई में देख लीजिए मास्टर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ठीक है, आपकी कोई भी डिसिप्लिन में डिग्री हो आपको बीएलवाई में अलाउ किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सिविल के लिए, सिविल के ये प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, सिलेक्शन ओनली जॉइंट विद एलएनटी, सिविल सिलेक्शन ओनली जॉइंटली विद एलएनटी, मतलब एलएनटी के साथ इसका जॉइंट रहता है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अलाउड है, ठीक है। सीजी में देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, सीपी में देखेंगे आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तीनों अलाउड है। फिर इन ब्रांचेज में देखिए अलग क्या है, ये तो ठीक है वही सिविल आर्किटेक्चर, सिविल आर्किटेक्चर, यहाँ पर एनवायरमेंट वालों को अपॉर्चुनिटी मिलता है बीटेक में। उसके बाद आगे सी की जो ब्रांचेस चली वही चली, फिर आगे केमिकल में, ऑल ब्रांचेस रिलेटेड टू द केमिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल डिसिप्लिन, केमिकल के लिए केमिकल से की डिसिप्लिन से रिलेट करते हो आप। फिर आ गए यहाँ पे सी आर एफ, सी एस वाई, सी टी वाई वगैरह, यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ई सी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इनमें कोई अपॉर्चुनिटी मतलब वो सिमिलर ही लग रहा है, सी एस वाई, सी टी वाई कोड आप देख लीजिए, ठीक है, अलग अपॉर्चुनिटी मुझे कुछ नहीं दिख रही है। डी डी एस हो गई, डबल ई ए में देख लो आप, डबल ई में देख लो कि आपका डिसिप्लिन तो ये सारे होने चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन तो ये सारे होने चाहिए, पर क्वालिफाइंग गेट डिसिप्लिन ये सारे होने चाहिए, क्वालिफाइंग गेट डिसिप्लिन ये सारे होने चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट देखते जाओ और आपके रिलेटेड जो ब्रांच है उसको आप समझते जाओ। फिर आगे देखेंगे, ठीक है, डबल ई, ट्रिपल डबल ई में भी वही इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सी एस वगैरह अलाउड है। डबल ई टी में देखिए गेट पेपर आपका सी एस और ई सी में होना चाहिए, भले ही आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रही हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक और अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। डबल ई एन में देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, बहुत बढ़िया निकल कर आई है, बाकी डबल ई अबल ई सारी ब्रांच वही हैं, ठीक है। एनर्जी के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। डबल ई पी में देखेंगे आप तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। डबल ई एस में कोई इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर, देखिए आई टी को अपॉर्चुनिटी डबल ई वाई में दी गई है, है ना। ई एस एन में देखेंगे तो केमिकल को अपॉर्चुनिटी दी गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दी गई है, ईसी वगैरह बाकी तो वही सेम है, एनर्जी को अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर, मैकेनिकल को भी मिली है, ठीक है। बाकी ये देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए आगे देखिए आपको ईएसआर में आ गया, आपकी बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, केमिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, ये सारा लिखा हुआ है। अलग क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को मिल रही है यहाँ पर नौकरी, मतलब यहाँ पर आपको ब्रांच मिल रही है, रिन्यूएबल आपको अलाउड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को अलाउड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आईडीवाई का देख लीजिए, जेईएस का देख लीजिए ऐसे ही, ठीक है, जो भी मुझे अलग दिखेगा मैं उसकी बात करूंगा, क्योंकि जनरली आप देख जो दिख रहा है वो तो है ही, जो भी अलग है दिखेगा मैं बात करूंगा। जीआईडी में इंस्ट्रूमेंटेशन को मिल रही है, बहुत बढ़िया। जीओपी में मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक, सीसी वही रहने वाला है, जेटीएम में भी वही रहने वाला है, ठीक है, जेबीएल में भी वही रहने वाला है, उसके बाद जेबीएस, जेबीवाई, आप पूरा देख पा रहे हो यहाँ पर, पूरा ये चार्ट बना के मैंने दिखा दिया है, ठीक है। फिर ये एमईएम में देखिए कितने सारी ब्रांचेस को उन्होंने अलाउ कर दिया है, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को अलाउ किया, तो मुझे लग रहा है ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो अलाउ कर रहे हैं ना, ये इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन को ना कंबाइन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल वाले बच्चे ना अप्लाई कर देना,
ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिखा है ना, आप अप्लाई कर देना, आपको मुझे लगता है मतलब मुझे लगता है 90% चांस है आपको सिलेक्ट किया जाएगा प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में, आपको शायद ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, गारंटी मैं भी नहीं दे सकता हूँ, पर मैं एक बता सकता हूँ आपको, बाकी ये ब्रांचेस का आप देखते जाइए, आप देखते जाइए, इसका भी देख लीजिए आप, बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारे डिसिप्लिन है यार। ठीक है, ये टेक्सटाइल वालों का दिया हो गया है, फिर उसके बाद आ गया आपका गेट कट ऑफ। ठीक है, आप गेट कट ऑफ की बात कर लेते हैं, गेट कट ऑफ में क्या है, आपका क्या डिसिप्लिन रहना वाला है मैं बता दूं आपको। देखिए, अगर आपने लेना है आपको AMA मतलब इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन लेना है, मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स में लेना है, तो सारे डिसिप्लिन अलाउड है। ठीक है, अब पहले आप एक नीचे चीज़ देखिए, आप इसके इस वीडियो के नीचे ही नो मतलब इस PDF के नीचे देखिए लिखा है एज पर द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, मतलब ये सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने का क्राइटेरिया है। ठीक है, और यहाँ पर PH और IN वाले स्कोर वालों को भी अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, ऑल्सो अवेलेबल इन 2020-2021, मतलब इंस्ट्रूमेशन वगैरह को भी इन्होंने एड ऑन किया है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद मतलब शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के बाद इन्होंने अलग अलग स्कोर का, देखो मैं आपको बताता हूँ, समझाता जाता हूँ पूरा। जैसे 700 मिनिमम रखा गया था, 700 से कम जिनका गेट स्कोर है वो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, आप अप्लाई करोगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा 700 रखा गया था, तो इस साल का भी आप ये समझ के रखिए 680 से 720 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, EWS का 700, 650, OBC का 450, SC ST बच्चे और PH वाले बच्चे मुझे बहुत मैसेज करते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। बायोमेडिकल में देखिए, बायोमेडिकल में आपको सारी ब्रांचेस अलाउड है, मिनिमम 650 जनरल में होना चाहिए। रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में देखिए, ईसी ब्रांच के लिए कितना कट ऑफ रखा गया है, 730 कट ऑफ रखा है, क्योंकि ईसी ब्रांच के लिए अपॉर्चुनिटी है, आपका गेट पेपर जो है वो ईसी ब्रांच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एटमॉस्फेरिक साइंस में देखिए, सिविल और केमिकल को 700 रखा गया है, MEPIAE को रखा गया है 750, एग्रीकल्चर को 800, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इंजीनियरिंग साइंस को 450 में ये अलाउड कर रहे हैं। कितनी बढ़िया इंजीनियरिंग साइंस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी निकल गया है, ये जो बच्चे मैसेज करते हैं सर मुझे इंजीनियरिंग साइंस के गेट पेपर से क्या मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 425 PHY CY MT GG। ठीक है, मॉलिकुलर में आइए, सिर्फ 400 गेट स्कोर में अप्लाई करने को मिल जाएगा। केमिकल में 660 में डायरेक्ट एडमिशन है। ठीक है, 660 में आपका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बन जाएगा, इसके बाद आप सिलेक्ट हो सकते हो, शॉर्टलिस्ट में आ गए आप, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस रहेगा, बाकी सब में इंटरव्यूज वगैरह हो सकते हैं। आप मान लीजिए इंटरव्यू और डायरेक्ट इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू दिखा दिया है मैंने, 7.5 और 6 CGPA का क्राइटेरिया है। कंस्ट्रक्शन वगैरह सिविल की ब्रांचेस के लिए 500, देखिए ये पूरा 500 रखा गया है। कंप्यूटर साइंस के लिए मिनिमम 800 रखा गया था। कम्युनिकेशन के लिए अगर आप EC से हो तो 750, EE से हो तो 860, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भाई साहब, हो गया तो क्या कर सकते हैं आप। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए मास 740 सारी ब्रांचेज ये देखिए अलाउड है, ITCS, EC, EE। कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में EC के लिए, EE के लिए 780, EC के लिए 900, EE के लिए रखा गया है यहाँ पर, सॉरी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में IN में रखा गया 860, PH में रखा गया 450 इंजीनियरिंग फिजिक्स। उसके बाद बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, EE के लिए 760, बाकी सब के लिए 900। पावर सिस्टम में EE के लिए 788, अदर्स के लिए 910। मशीन डिज़ाइन में सारे मैकेनिकल के उसके लिए 725। ठीक है, जनरल कट ऑफ्स हैं, बाकी आप OBC, SC, ST, EWS, PH, फिजिकल डिसेबिलिटी ये सारे यहाँ से देख सकते हो, आप मिला सकते हो अपने हिसाब से, अब मैं एक ही कट ऑफ पकड़ के चल सकता हूँ। ठीक है, मटेरियल साइंस में देखिए, अगर आप मटेरियल से हो तो 550, मैकेनिकल से हो तो 745 है ना, प्लेसमेंट तो 50% ही है लेकिन भाई साहब 745, केमिकल में 425 ही रखा गया है। अप्लाइड ऑप्टिक्स में देखिए PH इंजीनियरिंग फिजिक्स वालों को मास 350, EE EC वालों को 700। सॉलिड मैकेनिक्स में देखिए इंजीनियरिंग फिजिक्स को मास 350, MSc जिसने की है, EE EC को 700। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में देखिए टेक्सटाइल से किया है तो 700, अदर देन टेक्सटाइल 750। फैब्रिक में देखिए नॉन टेक्सटाइल टेक्सटाइल यहाँ पर देख लीजिए, एनर्जी स्टडीज़ वगैरह देख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक बहुत अच्छी ब्रांच है इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग GIT, इसके लिए टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होता है, 740 मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, 740 मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, ऑल ब्रांचेस अप्लाई कर सकती हैं। इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी में देखिए EE से हो तो 675, ME से हो 620, PH से हो 450। अब देखिए ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में EE से हो 740, PH में 350, CY में 350। VLSI में देखिए DC के लिए 900, EE के लिए 940 यार, CS के लिए 800, IN के लिए 940, अदर्स के लिए 940। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में देखिए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो चलिए MDES होता है वो सीड से आते हैं। ठीक है, ये मिनिमम शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया थे, मतलब अगर आपके मार्क्स इतने हैं
तो आप आईआईटी दिल्ली में आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही कट ऑफ नहीं है, रियल कट ऑफ तो बाद में जो लास्ट गेट स्कोर जिसको भी मिला होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, दिस इज जस्ट अ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगा, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आगे देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा अगर, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि आईआईटी दिल्ली में क्या कैसा प्रोसीजर आगे रहने वाला। आईआईटी दिल्ली ऑब्वियसली बात है टॉप प्रेफरेंस रहती है उन बच्चों की जो ये सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना है, आईएएस की तैयारी करना है। पहले ये बहुत ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस रहती थी कि यार दिल्ली में रहेंगे और ये करने का ट्राई करेंगे, बट अब यार आईआईटी दिल्ली के रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, इवन एमटेक भी आप बीच में नहीं छोड़ सकते, वो बॉन्ड करा लेते हैं 2 साल का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप सिर्फ इस वजह से आईआईटी दिल्ली मत लीजिएगा। ब्रांचेस को पहले प्लेसमेंट का मैं पूरा लाऊंगा वहां पर, अभी जब प्लेसमेंट चार्ट रिलीज हो जाएगा या प्लेसमेंट डिटेल्स जब रिलीज हो जाएंगी पूरी प्लेसमेंट डिटेल्स लाऊंगा, क्या कैसा आईआईटी दिल्ली में रहता है सारा प्लेसमेंट आपके मैं बताऊंगा। उसके बाद आप एक बेस्ट प्रायोरिटी बनाइएगा कि आपको आईआईटी दिल्ली में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में भी क्या है ना, बहुत सारी ब्रांचेस का प्लेसमेंट नहीं होता है। इवन एमटेक में अगर आप जाओगे तो कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिनका कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाता है पर प्लेसमेंट बहुत खराब है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको गौर करना होगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट पूछना है तो फेसबुक और इंस्टा पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां पर आंसर कर दूंगा। बाकी आप क्या कर सकते हो, मेरे अनअकैडमी पर जाके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। बाकी अपना एक लाइक देकर जाया करिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, कमेंट करके जाया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए। और जो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर इस स्कोर में मेरे लिए क्या बेस्ट एनआईटी रहेगा, क्या बेस्ट आईआईटी रहेगा, तो मैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। वैसे तो मैं सारी कट ऑफ वीडियोस लेकर आने वाला हूं, पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे कॉलेज की मैंने एमटेक स्टूडेंट लाइफ बनाई है, आप उन वीडियोस को देखो। मैं इतने सारे लोगों को मैसेज नहीं कर सकता हूं एक्चुअली कि इलेक्ट्रिकल में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, लेकिन जो मैंने एमटेक स्टूडेंट लाइफ वीडियोस बनाए हैं वहां पर मैंने जरूर बताया है कि किस ब्रांच का प्लेसमेंट कैसा रहता है, क्या कितना परसेंट प्लेसमेंट है उस कॉलेज का, आपको वो कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप उस कॉलेज को ज्यादा देखना प्रेफर करिए। बाकी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा काउंसलिंग से पहले हर टाइप के कट ऑफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये सारे ला दूं, पर अभी तक जितना कंटेंट है ना उतने कंटेंट को आप पूरी तरीके से देख लीजिए और अश्योर कर लीजिए कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। फिर अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी तरीके से आपकी हमेशा हेल्प करूंगा। बाकी अपने दोस्तों तक भी वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि यही मुझे लगता है कि एक आधी दो चैनल हैं जो एमटेक की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इनको आप स्प्रेड करोगे तो जो लोग एमटेक के लिए इंटरेस्टेड हैं उन तक भी ये नॉलेज पहुंचेगी। तो कोशिश करिए कि आप लोगों को ये कोशिश करिए कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। नमस्कार, बस आज का वीडियो इतना ही था।